ले जी माशाल्लाह सुहेब भाई, वेल डन जी, वेल डन, बहुत क्लासिकल जी। अब ये शमा बिल्कुल अपने अख्ताम के नज़दीक पहुंच चुकी है, बहुत खूबसूरत जी। मैं छोटे छोटे क्लिप बना के ये सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप इससे कुछ सीखें। अब देखें शेड्स कैसे लगाई जा रही हैं, बेसिकली कलर्स को मिक्स कैसे किया जा रहा है, और इसमें लाइट का और शेड्स का बहुत बड़ा मलदखल है फाइन आर्ट्स में। जो आर्ट्स के तलबा हैं उसको जानते हैं कि लाइट एंड शेड जो है ये किसी भी आर्टिकल को चार चांद लगा, अगर उसका ख्याल रखा जाए, उसके एंगल्स का और उसके बाद उसकी स्ट्रोक्स का, प्लस उसमें प्रेशर का और कलर स्कीम का और उसके तनासुब का, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो एक आर्टिकल को बहुत आला खूबसूरत और उसको रियलिटी शेप में ले आती हैं। तो इस वक्त यही काम कर रहे हैं सुहेब भाई। ये बड़ा आर्टिकल वैसे भी संभालना मुश्किल होता है, आप लोग जानते हैं, तो छोटे आर्टिकल बनाना कैनवस पर तो बहुत आसान है, जबकि ये इस पूरे हमारे टुकड़े की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 5 फुट के नज़दीक है। तो उस 5 फुट में, 5 फुट बाई तकरीबन 3 फीट में ना, इसको बाकी संभालना ये इतना आसान नहीं होता। जो बड़े बड़े सैनमा के आर्टिस्ट होते थे उनके लिए तो बड़ी आसानी थी, सैनमा आर्टिस्ट इन चीज़ों के बड़े माहिर होते हैं। तो सुहेब भाई भी जी बहुत आला जी, वेल डन सुहेब भाई, वेल डन जनाब, क्लासिकल।